आप लोग इसी इसी के यहाँ काम करते हैं क्या? आई रोडवा में। नमस्ते, यहाँ पे कोई सुपरवाइजर उपरवाइजर है कि नहीं है? आप ही हैं, चलिए हाथ मिलाइए। क्या नाम है इसका, रोड का? मुझे जानकारी। 70 घाट वाला है रोड, है ना? जी सर। 70 घाट को कितना बार तोड़ना है? 70 बार की 78 बार की 88 बार की 170 बार, कितना बार? आपकी गलती नहीं, हमको पता है और हम आपको ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि जहाँ पे हम लोग खड़ा होकर वीडियो बनाते हैं वहाँ पे काम जो है सही होने लगता है। गूगल मैप दिखा रहा है ये रोड, आइए। कोई सिकवा गिला नहीं आपसे, आप लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कीजिए। भगवान से प्रार्थना करूँगा कि बिहार का तरक्की हो। गूगल मैप रोड दिखा रहा है ये हम लोगों का, गूगल मैप। कहीं डाइवर्सन नहीं लिखा गया है, ना उस साइड ना इस साइड। आदमी डायरेक्ट आएगा और खाई में गिर जाएगा। देखिए, ना इधर से आप लोगों ने डाइवर्सन लिखा है कि इस रास्ते से जाइए, ना उधर से लिखा है। डाइवर्सन बनाना जरूरी है। डाइवर्सन का पैसा आप लोग खा जा रहे हैं, आप नहीं खा रहे, आपका ठेकेदार खा जा रहा है। बताइए क्यों नहीं डाइवर्सन लिखा हुआ है, बोलिए। 70 घाट कितना बार टूटा है पता है ना? जी सर, जी, जी। अनेकों बार टूटा है। ये क्या हुआ, ये रोड बनने के बाद टूटा है कि रोडे नहीं बना था यहाँ पे? रोड चालू हो गया था सर। और उसके बाद टूटा जी। कब? इस बाढ़ में, ये बाढ़ जो आया था। इक्कीस में जो है कि यहाँ का पूरा बाढ़ का पानी इधर आ गया था। इधर आने के बाद में जो है डीएम साहब और यहाँ का सरकारी जो है वो काट करके इधर से पानी निकलने का रास्ता बनाए। मतलब कि पहले रोड बनाएंगे, पुल प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे कि कहाँ कहाँ पुल बनाना है, और जब पुल नहीं बनाएंगे तो बाढ़ का पानी निकालने के लिए रोड को काटेंगे। बांध जो है, बांध ना टूट जाए, बांध के सेफ्टी के लिए इसको काट करके इसमें अब ब्रिज बन रहा है। ये कौन सा बांध बनाते हैं आप लोग की बांधे टूट जाता है और उसके सेफ्टी के लिए रोड को काटना पड़ता है? कमाल का सिविल इंजीनियर जो है ना बिहार में पैदा होता है सब, पहला चीज। दूसरा चीज, आप लोग रोड बना रहे हैं, कितना दिन से ये रोड बना रहे हैं? रोड कंप्लीट होकर के 2019 में कंप्लीट हो गया था, और 2021 में फिर तोड़ दिया गया। जी, जी। सही है ना? ये जो गांव, 7 गांव डूब गया था, 7-8 गांव डूब गया था। हाँ। जी, तो गांव को बचाने के लिए रोड को काटा गया। हाँ, पानी जो है निकाल। मतलब इस प्रकार का अजूबा काम पूरे दुनिया में कहीं नहीं होता होगा कि गांव को बचाने के लिए रोड को काटना पड़ता होगा। बाढ़ नदी का जो है ना उस तरफ से घूम गया था। अच्छा, 2021 से कटा हुआ है ये? अच्छा, 2021 से कटा हुआ है। गूगल मैप पे ये रास्ता 2021 से दिखा रहा होगा? दिखा रहा होगा ना। तो डाइवर्सन क्यों नहीं लिखा गया है कि यहाँ से इधर से जाए? डाइवर्सन क्यों नहीं बनाया गया? साइड में सब लगा हुआ है सर। कहाँ पे? जो कहीं नहीं लगा हुआ। अब देखिए, यहाँ पे आधा किलोमीटर तक इधर और इधर आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक देख लीजिए, 1 किलोमीटर तक देख लीजिए। आइए आइए सर, फिर से मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोगों की गलती नहीं है, लेकिन कितना दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? तो अभी 1 साल से ऊपर हो गया सर। 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, उसके बावजूद भी यहाँ पे पुल नहीं बना, डाइवर्सन नहीं बना। डाइवर्सन का तो पैसा आता होगा। सरकार जो है कहीं भी पुल या रोड का निर्माण करवाती है और रोड को बीच में से कटवाती है तो उसके बगल में डाइवर्सन देती है और डाइवर्सन का पैसा भी देती है। लगभग पुल के आधा पैसा जो है वो डाइवर्सन के लिए अलॉट होता है। तो डाइवर्सन आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया है? डाइवर्सन वो बना हुआ है सर। कहाँ? जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे मुझे पता है, लेकिन उससे बिहार नहीं ना बदलेगा। आइए ना, प्रयास किया जाए। आप हम आप सुपरवाइजर है ना? आप कौन है सर? हम भी सुपरवाइजर। आप इंजीनियर होंगे? सीनियर लग रहा है। चलिए, दोनों सुपरवाइजर हैं, तो प्रयास किया जाए। इधर भी डाइवर्सन दिखा रहा है। देखिए, हम लोग फंस गए थे इस रास्ते में, हम लोगों को आना पड़ा। आपको बता देते हैं, यहाँ के लिए भी है ना, हम लोग देखिए कंपनी जो है ना अपना स्वार्थ के लिए नहीं काम कर रही है। कंपनी जो है भारत की सारी कंपनियां जो है ना वो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करती है, पब्लिक के लिए काम करती है। प्रॉफिट में भारत का कोई कंपनी नहीं रहता है, कोई ठेकेदार नहीं रहता है। ये जो यहाँ बना रहे थे यहाँ के लिए, तो यहाँ से जो, अरे तो लिख दीजिए लोग ना, कम से कम जहाँ से उतरना है वहाँ पे लिख दीजिए लोग, ये रोड काट दिया गया है। दुनिया का पहला ऐसा रोड है जो बाढ़ के समय में काट दिया गया, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया गया। जगह जगह पे फ्लड एरिया है, जगह जगह पे पुल नहीं दिया गया। पुल क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जो इंजीनियर सर्वे करने आया होगा उसको पता था कि बार बार रोड तोड़ेंगे तो बार बार कमीशन खाएंगे,
उसको तो पता रहना चाहिए ना कि कैचमेंट एरिया कितना है, नदी का बेसिन कितना है, फ्लड मैक्सिमम फ्लड लेवल कितना है, कितना पानी आ सकता है, पानी का फ्लो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, किस प्रकार से होगा, कहाँ कहाँ पुल देना है। अब जरा बताइए ऐसे कैसे बिहार आगे जाएगा। पहले ये हाईवे बनाया जाता है, ये हाईवे है ना, और कमाल का हाईवे है, एकदम जबरदस्त। केसरिया से जो है पटना को कनेक्ट करता है, छपरा को कनेक्ट करता है, और केसरिया जो है बौद्ध स्तूप है, इंटरनेशनल जगह है, और वहाँ पे जो हाइवे बनता है वो 2020 से बनिए रहा है। एक बार सत्तरघाट पुल रहा, उसके बाद से इसको काट दिया गया, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इसका प्रॉपर तरीके से निर्माण नहीं हुआ तो फिर से ये रोड की स्थिति यही रहेगी। तो कम से कम मार्किंग वर्किंग लगा दीजिए लोग प्लीज़, कि यहाँ से इधर जाए इधर जाए। आप देखिए अभी तक रोड कंप्लीट नहीं हुआ, ये कब तक कंप्लीट करके देना है? अब ऊपर वाले सब ऊपर वाले मिलेंगे तब ना, ऊपर वाले जमीन पे मिलते ही नहीं है, मजबूरी में हम लोगों को आप लोगों से सवाल करना पड़ता है। ठेकेदार जमीन पे रहता है? नहीं रहता है। नितिन गडकरी जमीन पे रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन हम लोग जहाँ जिस रोड पे जाके खड़े होकर वीडियो बनाते हैं वहाँ पे कुछ तो बदलाव होता है। तो उम्मीद है कि ये सीनियर हैं, इनसे मैं पूछ लेता हूँ ये रोड ये पुल कब तक बना के दे देना है? ये पुल इस साल बन जाएगा। इस साल नहीं, वैसे ठेकेदार वैसे काम नहीं होता है, ठेकेदारी का समय होता है। इस साल मतलब पता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो गया साल, आपका समय अलॉट हुआ होगा, बारिश से पहले आपको देना होगा। बारिश से पहले देंगे तब ना ये डाइवर्सन चालू रहेगा, बारिश में कहां से ये डाइवर्सन चालू रहेगा? आप बताइए, अभी तक आपने कुछ काम नहीं लगाया है, आपका काम जो है स्लो है। आप लोग स्लो काम इसलिए करते हैं कि न्यू फाइनेंशियल ईयर में चला जाए, 10% जो है बिलो बिडिंग है वो जो है वो BOQ से हो जाए, इसलिए आप लोग करते हैं ऐसा लेट। लेट इसके लिए वो तो आपको भी पता है लेट क्यों करते हैं, हमको भी पता है लेट क्यों करते हैं। लेट बाढ़ से पहले ये रोड कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। वादा करते हैं ना। अगर नहीं हुआ तो फिर मनीष कश्यप यहाँ पे आएंगे और फिर आपसे सवाल पूछेंगे। आज मैं आप लोगों से कोई उल्टा सीधा सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे बाढ़ से पहले ये रोड कंप्लीट चाहिए। पहला चीज, डाइवर्सन का आप लोग जगह जगह पे मार्किंग कीजिए और रास्ता डाइवर्सन वाला सही कीजिए, प्लीज विनती है। आपको एक बात बताते हैं, आप कैमरा के सामने भी बोल रहे हैं, मगर ये वाला जो है ना हर दिन जो हमारा लोडर लगा करके हम हर दिन इसको जो है सुबह डाइवर्सन को पिचिंग भी करना रहता है। तो पिचिंग मतलब गांव वाले लोग खेत के लिए नहीं करने दे रहे, मैं तो GSB डाल करके उसको बढ़िया से बना रहा था, मगर गांव के पब्लिक बोलते कि हम लोग का खेत का ये है उसके लिए पिचिंग मत करवाइए बोल रहे, नहीं तो हम लोग GSB डाल करके इसको बढ़िया से बनाने के प्रोग्राम में हम लोग, मगर यही है कि गांव के पब्लिक जो है बोलते कि इसमें पिचिंग या नहीं तो बोल्डर या पत्थर मत डालिए। गांव वाले को जितना नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा दीजिए, डाइवर्सन के लिए अगर निकाल रहे हैं तो मुआवजा देना भी है, पता है या नहीं? हम गांव वाले को तो नहीं पता, अभी मुआवजा नहीं मांग रहा है लोग, लो मुआवजा भी लेगा लोग आप लोगों से। विनती है आप लोगों से कि बनाइए, आज बनाएंगे सर, एकदम बढ़िया से बनाएंगे और कुछ जल्दी से। इतना ना बढ़िया से आप लोग बनाए हैं ना। अच्छा, आप ही लोग सत्तरघाट बनाए थे? हां, सत्तरघाट हम ही। तो सत्तरघाट तो 70 बार डुबा दिए हैं आप लोग। नहीं डूबा था, सत्तरघाट टूटा नहीं था, डाइवर्सन अप्रोच रोड नहीं था, डाला था हाँ। यहाँ वो आपका उधर टूटा है, यहाँ नहीं टूटा है। अच्छा, उधर वाला काम हुआ किसका था? वो भी हम ही लोग का हाँ। तो इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं लोग कि टूट जा रहा है? ना ना, अरे पूरे बिहार में सत्तरघाट पे बवाल हुआ था, हुआ था, मगर वो जो है कि अप्रोच रोड टूटा था सर। तो अप्रोच रोड टूटने के लिए बनता है? क्या पानी का दबाव ज्यादा हो गया? एक्चुअली देखिए, इसमें जो है कलवर्ट से काम नहीं चाहिए, इसमें जो है मेगा ब्रिज चाहिए था। मेगा ब्रिज चाहिए था ना, और उसने डिजाइन में बॉक्स कलवर्ट दे दिया होगा, 3 मीटर बाय 3 मीटर का दे दिया होगा, क्योंकि इंजीनियर को पता था कि अगर 3 मीटर बाय 3 मीटर का बॉक्स कलवर्ट दे देंगे रोड टूटेगा, फिर पैसा खाएंगे इसमें जी। वैसे देखिए, इसमें हमारा कंपनी का दोष नहीं है। नहीं, कंपनी का दोष है, कंपनी है दोष है। अगर अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो आपके कंपनी में भी सीनियर इंजीनियर होते होंगे, वो भी सर्वे करें और रिवाइज कराएं नक्शा को जी। हाँ, यहाँ ये और अच्छे ढंग से काम कीजिए प्लीज, विनती है आप लोगों से, और इस काम को कंप्लीट कीजिए और डाइवर्सन का मार्किंग लगना चाहिए। ठीक है, हम सुनिए, हम कल आने वाले हैं, कल अगर हमको परसों नहीं, हम कल आने वाले हैं, उधर से पेंटिंग वेंटिंग करवाना पड़ेगा, कल बोर्ड लगा हुआ है सर। ठीक है, हम परसों आएंगे, अब कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, और परसों नहीं लगा रहेगा तो फिर जो है हम लोग सीधे आप लोगों के बारे में जो है लिखित कंप्लेंट डाल देंगे। ठीक है सर, यहाँ पे भारत में बिहार पहला ऐसा जगह है जहाँ पे पहले हाईवे बनाया जाता है, टकाटक हाईवे,
मैं अभी 70 घाट पे हूँ और ये 70 घाट पुल बना दिया गया, हाईवे बना दिया गया, शिलान्यास के बाद इसका उद्घाटन कर दिया गया, कमाल का उद्घाटन किया गया। उसके बाद से 70 घाट पुल का अप्रोच रोड दह गया था, ये रोड नहीं दहा था, ये एकदम टकाटक था। लेकिन इंजीनियर ने क्या किया था कि जहां पे बड़ा सा मतलब कि पानी इस साइड से उस साइड चला जाए उसके लिए बड़ा सा पुल देना था, वहां पे बॉक्स कलवर्ट दे दिया था, वहां पे पाइप वाला पुल दे दिया था, जिसके वजह से रोड बना और रोड बनने के बाद टूट गया, जगह जगह से टूट गया, उद्घाटन हो गया, सब कुछ हो गया। और ध्यान से देखिए, इस प्रकार का रोड होगा तो आपकी यात्रा कैसे मंगलमय होगा। वहां पे लिखा हुआ है आपकी यात्रा मंगलमय हो, वहां पे देखिए सामने स्वागतम वेलकम, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और यात्रा मंगलमय देखिए कितना मंगलमय हो रहा है, देख सकते हैं एकदम प्लेन रोड बना दिया गया। देखिए बिहार के लोगों का पैसा कैसे बर्बाद किया जाता है, प्लेन रोड बना दिया गया था। इस रोड का उद्घाटन भी हो गया था, हुआ था ना रोड का उद्घाटन, उद्घाटन हुआ था, ये रोड चालू भी हो गया था, हो गया था ना, उसके बाद से क्या प्रॉब्लम आ गया? प्रॉब्लम तो बताएंगे ही। हाँ आप बताइएगा क्या प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम यही सर था कि पूरा यहाँ तक एक कलवर्ट था, एक ही कलवर्ट था। हाँ, अरे इसीलिए ना इंजीनियर सबको धांसते रहते हैं हम। अब बताइए किसका, इंजीनियर के बाप का पैसा थोड़ी लग रहा है, बिहार के लोगों का पैसा लग रहा है। एक ही को कलवर्ट दिया था जबकि हाई फ्लड एरिया है, ये फ्लड लेवल मेजरमेंट करना चाहिए, किधर से किधर पानी जाता है वो मेजरमेंट करना चाहिए, बगल में बड़ा सा नदी है वो मेजरमेंट करना चाहिए। उसके बाद से अच्छा ये रोड तो 3 साल पहले उद्घाटन हो गया था, सब कुछ हो गया था, उसके बाद से रोड पे कभी गाड़ी नहीं चला होगा? चलता था सर, मोटरसाइकिल और कार नहीं, दस्तारी भी चलता था। हाँ। पानी का वजह से हम लोग रोड काट दिए। हाँ, रोड काट दिए, यानी पहले रोड बनाइए और फिर रोड काटिए। डीएम आकर रोड, अब ठेकेदार को तो डबल फायदा हो गया ना, पहले रोड बनाया उसके बाद से रोड काटा, डबल फायदा। अच्छा कौन से कंपनी का काम है आप लोगों का? वशिष्ठा कंपनी। क्या? वशिष्ठा। ऊपर तक लिंक होगा कंपनी का, नीचे से ऊपर तक एकदम पूरा प्रधानमंत्री नितिन गडकरी तक लिंक होगा, तभी ना कंपनी बच जाता है। नहीं तो कंपनी के ऊपर कार्रवाई नहीं होता, एकदम बिल्कुल कार्रवाई होता। अब बताइए कि कैसे जो है आप रोड बना देते हैं, रोड बनाने के बाद फिर रोड तोड़ना पड़ता है, एकदम कार्रवाई होना चाहिए ऐसे ऐसे लोग। और यही कंपनी बिहार से बाहर काम करता है तो ईमानदारी पूर्वक काम करता है, और बिहार में काम करता है तो इसी प्रकार से काम होता है। एक तो जंगल में रोड बनाया जाता है, जंगल में, इस रोड का जरूरत नहीं था, जो रोड का जरूरत था वो रोड नहीं बनाया गया। इस रोड पे जो है एकदम गाड़ी है ही नहीं, डेंसिटी है ही नहीं गाड़ियों का, जंगल में रोड बनाया गया। और जब से रोड बना है तब से टूटता है बनता है, मतलब कि ये जो है कुबेर का खजाना हो गया है। 70 घाट वाला रोड एकदम केसरिया से छपरा तक का कुबेर का खजाना है। जबरदस्त तरीके से इसमें भ्रष्टाचार होता है और हर साल भ्रष्टाचार होता है। एगो डीएम साहब आएंगे बोलेंगे ए रोड तोड़ो, फिर एगो इंजीनियर आएंगे बोलेंगे ए रोड बनाओ, फिर अगले साल डीएम साहब आएंगे बोलेंगे रोड तोड़ो, फिर इंजीनियर आएंगे बोलेंगे रोड बनाओ। और इसमें जो है ना इंजीनियर का पैसा लग रहा है ना डीएम का पैसा लग रहा है, पैसा किसका लग रहा है? बिहार के लोगों का लग रहा है। 70 घाट की कहानी दिखाई गई थी चैनलों पे, लेकिन वो अधूरी कहानी थी, उसके बाद तो कहानी दिखाई ही नहीं गई। ये कुबेर का खजाना है, कुबेर का खजाना भ्रष्ट लोगों के लिए। हर साल इसमें जो है तोड़ो जोड़ो का काम होते रहता है। अभी देखिए काम लगा हुआ है, कब तक काम कंप्लीट कर देना है सर? हो जाएगा 2 साल में। 2 साल में? अब देखिए एगो सुपरवाइजर से पूछे हैं तो वो बोल रहे हैं क्या कि 6 महीना में काम कंप्लीट हो जाएगा, बारिश से पहले हम काम कंप्लीट करके देंगे। सर वो तो और पता नहीं ना कि कब तक ले। अच्छा ये देखिए, अच्छा उस बोर्डवा पे क्या लिखा हुआ है, उस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? वो तो लिखा है मंगल हो, आपकी यात्रा मंगल हो। आपकी यात्रा मंगल हो, मंगल हो, क्या लिखा हुआ है? आपकी यात्रा मंगल हो। कैसे मंगल होगा सर बताइए ना। नहीं तो बोर्डवा हटाइए लोग ना, अरे बोडवा हटाइए, कैसे मंगलमय होगा यात्रा आप ही बताइए ना। देखिए वहाँ नहीं, आपकी गलती नहीं है। देखिए मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, यहाँ पे वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद मेरा यही रहता है कि जमीन पे तो आपका ठेकेदार आपका मालिक मिलेगा नहीं, लेकिन वीडियो बनाने के बाद कुछ तो सुधार हो जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और यात्रा मंगलमय कैसे होगा जब रोडे नहीं है? पहले ही लोग रोड बनाए थे और उसके बाद से रोड तोड़ ताड़ के जो है ना बराबर कर दिया, पुल बना रहे हैं, और फिर उसके बाद से पुल टूटेगा तो रोड बनाएंगे। ये काम निरंतर जारी रहेगा बिहार में, तो विनती है कि इसके ऊपर जो है कार्रवाई होना चाहिए। जिसकी भी गलती है, चाहे वो सरकार का इंजीनियर गलत नक्शा बनाया हो, गलत सर्वे किया हो,
उसकी गलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो ठेकेदार जो रोड बनाते समय अनियमितता बरते हो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कोई तो दोषी होगा ना, अगर पब्लिक दोषी होता है, अच्छा बिना हेलमेट का आप लोग चलते हैं तो जुर्माना होता है कि नहीं होता है? जी जी होता है। बिना हेलमेट का चलते हैं तो जुर्माना होता है कि नहीं होता है? अच्छा सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो जुर्माना होता है कि नहीं होता है? दारू पी लेते हैं तो जेल होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है ना, दारू पी लेते हैं तो, यानी पीते हैं आप लोग दारू? नहीं सर। हाँ चलिए ठीक है, नहीं पीते हैं तो बंद है ना, लेकिन जेल हो जाता है। ठेकेदार गलती करते हैं, इस प्रकार का लापरवाही इंजीनियर करते हैं तो उनको सजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। चलिए बाकी 70 घाट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये 70 घाट उद्घाटन के बाद 70 बार काहे टूट गया इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये जब से रोड बना है तब से भ्रष्टाचारियों के लिए कुबेर का खजाना क्यों बन गया, इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।